नमस्कार, मनीगुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप में से कई लोग डेट में सुरक्षित निवेश का विकल्प ढूंढते होंगे, लेकिन निवेश की इतनी सारी कैटेगरीज है डेट में कि कंफ्यूजन हो जाता है कि कहां पर निवेश आपके लिए है फायदेमंद। तो अगर सुरक्षित निवेश के विकल्प आपको चाहिए तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान आज हैं, उनका परिचय सबसे पहले करा देते हैं। मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग हमारे साथ है आज। मोहित, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच। तो क्या खास हम मोहित से चर्चा करेंगे आज शो में, जरा सबसे पहले उस पर एक नजर भी डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे शॉर्ट टर्म डेट फंड में क्या है निवेश के फायदे, गिरती ब्याज दरें और स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश, सोने में निवेश का गोल्डन चांस, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर करेंगे चर्चा, साथ ही डेट में निवेश का कौन सा विकल्प है आपके लिए फायदेमंद। मोहित, चर्चा की शुरुआत इसी से कि हर कोई इक्विटी मार्केट में निवेश नहीं करना चाहता, हर कोई रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहता। कई ऐसे निवेशक हैं जो कि सुरक्षित निवेश के विकल्प ढूंढते हैं, और डेफिनेटली छोटी अवधि में अगर निवेश करना है तो डेट फंड से बेहतर और क्या हो सकता है। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे, इतनी सारी कैटेगरीज में चुनना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर डेट फंड कैटेगरी में कुछ अगर कैटेगरीज की अगर हम चर्चा करें तो कौन से आप विकल्प आज आप दर्शकों को बताने वाले हैं? जी स्वाति, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से इक्विटी मार्केट की रफ्तार चल रही है, जिस तरह से इक्विटी मार्केट भाग रहा है, वहां पर जरूरत है कि लोग थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव भी सोचे और अपने एसेट एलोकेशन में डेट का इंक्लूजन जरूर करें। तो डेट में हालांकि कुछ समय से बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इतने लो हैं, रिटर्न्स बहुत कम हो गए हैं, बट फिर भी डेट की ऐसी काफी कैटेगरीज हैं जहां पर अगर आप ठीक से चुनाव करें तो आप अपने रिटर्न्स को एक स्टेडी स्टेबल स्टेट पर ला सकते हैं। और जो डेट का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, आप एफडी से बेहतर रिटर्न कमा पाए और जो आपकी कैपिटल है उस पर लॉस ना हो जाए, ये तीन चीजों को आप पूरी तरह से निभा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, जो डेट का सबसे बेसिक कैटेगरी है वो है डेट म्यूचुअल फंड्स। उसके अंदर में स्वाति तीन कैटेगरीज हैं जिन पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। पहला शॉर्ट टर्म कैटेगरी, दूसरी बैंकिंग पीएसयू और कॉर्पोरेट बॉन्ड कैटेगरी, और तीसरी जो है वो है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स या रोल डाउन स्ट्रेटजीज की कैटेगरी। तीनों का ही बहुत ही डिफरेंट तरीका है। जो शॉर्ट टर्म कैटेगरी है, अगर वहां पर निवेशकों को छोटी अवधि के लिए पैसा पार्क करना है, 6 महीने से साल भर, 1.5 साल के आसपास, तो वहां पर जाना चाहिए। उस कैटेगरी में आप अगर देखेंगे तो आपके पास में चुनाव करने के लिए लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट फ्लोटर, ये सारी सब कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी, राइट। अभी इनमें क्या है कि अगर आप देखें तो रिटर्न हालांकि 3-5% की रेंज में आ चुका है पिछले 1 साल से, वो बिकॉज इसलिए कि इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में काफी कम हो गए हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कल को इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो इन कैटेगरी में निवेशकों को नुकसान होने का चांस नहीं है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत ही कम होता है, जो कि डेट की दूसरी कैटेगरीज के कंपैरिजन में काफी कम है, राइट। तो एक तो पोर्टफोलियो क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, काफी हाई क्वालिटी पेपर्स होते हैं, ऑलमोस्ट ट्रिपल ए पोर्टफोलियोज होते हैं, बहुत कम मात्रा में डबल ए पेपर देखने को मिलता है इन पोर्टफोलियोज में, और इंटरेस्ट रेट रिस्क काफी कम होता है और आपको एक स्टेडी स्टेट रिटर्न मिलता रहता है। और जब चाहें आप 6 महीना साल भर के हिसाब से आप अपना जो शॉर्ट टर्म पैसा है वो यहाँ पर सेफली पार्क कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी सबसे सेफ और सबसे अच्छी कैटेगरी है डेट की। दूसरी कैटेगरी की अगर बात करें स्वाति, तो वो है, यहाँ पर आपने बिल्कुल, आपने शॉर्ट टर्म फंड की बात की मोहित। यहाँ पर जानना और समझना बेसिकली जरूरी है कि हम जिन कैटेगरीज के डेट में बात कर रहे हैं वो किन क्राइटेरिया पैरामीटर्स पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने भी कुछ कैटेगरी को, कैटेगरी ऑफ फंड्स जो हैं वो चूज किए हैं। अब जैसे शॉर्ट टर्म फंड हो गए, उसमें निवेश के लिए निवेशक को सोचना क्या है, मतलब कैसे गोल के लिए उन्हें निवेश करना चाहिए या अभी क्यों निवेश करना चाहिए, पिछले 1 और 3 साल में अगर हम हिस्टोरिक रिटर्न, 1 और 3 साल के निवेश ही सही रहता है शॉर्ट टर्म फंड्स में, उनको अगर देखें तो यूजुअली हम ये देखते हैं कि 3-5 या 6% तक का हमें हिस्टोरिक रिटर्न मिला है। तो वाकई क्या शॉर्ट टर्म फंड्स अभी, अगर हम शॉर्ट टर्म डेट फंड की ही बात करें, उसमें निवेश अभी फायदेमंद है करंट सिनारियो में? देखिए स्वाति, आपने काफी अच्छा सवाल किया है कि किनको निवेश करना चाहिए।
जिनको एक्विटी मार्केट में अभी एंट्री लेने से थोड़ा डर लग रहा है, वो थोड़ा समय रुकना चाहते हैं, मार्केट्स को स्टेबल होते हुए देखना चाहते हैं, इतने वोलेटाइल और इतने हाई वैल्यूएशन के मार्केट में वो निवेश नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें उनको एक शॉर्ट अवधि के लिए कहीं पर अपना पैसा पार्क करना है, राइट? और वो ऐसा पार्किंग होना चाहिए कि वो कभी भी जब चाहे वहां से निकाल सके बिना किसी एग्जिट लोड के या बिना किसी इम्प्लीकेशन के, राइट? तो ऐसे निवेशकों के लिए। और दूसरी कैटेगरी वो हो गई जिनके कोई 6 महीने साल भर के कोई छोटे से गोल है कि उन्हें किसी एक छोटे गोल के लिए, 1 साल के गोल के लिए कहीं पैसा सेफली पार्क करना है, और उन्हें पता है कि उन्हें अगले साल उस पैसे की जरूरत लगेगी और उसमें कैपिटल लॉस कहीं नहीं होना चाहिए। तो ऐसे दो कैटेगरी के निवेशकों को अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म कैटेगरी में जाना चाहिए। ओके, तो शॉर्ट टर्म फंड की खासियत हमने समझी और अभी निवेश करने का क्यों मौका है इनमें ये समझना जरूरी है। एक और कैटेगरी जिसका आपने जिक्र कर दिया था वो है बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड। अब इनकी खासियत क्या है मौजूदा मार्केट में ये आप समझाइए। देखिए, तो हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं जहां पर अगर आपका निवेश का जो टेनर है वो 2 से 3 साल या 3 से 4 5 साल, मतलब आप 3 साल के आसपास कहीं निवेश करना चाहते हैं, 3 साल के प्लस निवेश करने में डेट में ये फायदा होता है कि एक तो आपके जो गेन्स होंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएंगे और वहां पर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो यहां पर अगर हम सबसे सेफ विकल्प खोजें तो दो ही विकल्प है, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। बैंकिंग एंड पीएसयू की खास बात यह है कि इसका पेपर क्वालिटी बहुत ही हाई रहता है, तो यहाँ पर सिर्फ बैंकिंग और एनबीएफसी जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या पीएफआई है, उन्हीं के पेपर रहते हैं। और ये AAA काइंड ऑफ पोर्टफोलियोज होते हैं मोस्टली, कहीं कहीं AA पेपर भी होते हैं, बट ये बहुत ही अच्छी वेल रेटेड कंपनीज होती है और वेल मैनेज्ड पोर्टफोलियो होता है, जो आप बैंक सीडीज जिसको बोलते हैं, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, बैंक के जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं वो मोस्टली इन पोर्टफोलियोज में देखे जाते हैं। तो पोर्टफोलियो का क्वालिटी बहुत हाई है, पोर्टफोलियो का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 से 4 साल के बीच का होता है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं है जहां पर इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत ज्यादा हो। अगर आप 3 साल होल्ड करेंगे तो ये पोर्टफोलियोज अमूमन देखा गया है बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। और उसी कैटेगरी में कॉर्पोरेट डेट फंड भी शामिल हो जाते हैं स्वाति, जहां पर कॉर्पोरेट पेपर भी होते हैं बैंकिंग पेपर्स के अलावा। तो बस यही डिफरेंस है कि आप थोड़े से कॉर्पोरेट पेपर शामिल कर लेंगे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड बन जाएगा, और अदरवाइज आप सिर्फ बैंकिंग और एनबीएफसी के पेपर रखेंगे तो वो बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड बन जाता है। और जैसे हमने आमतौर पर देखा है मोहित, की जब लमसम पैसा या अगर छोटे समय के लिए पैसा रखना है तो निवेशक यूजुअली एफडी का रुख कर लेते हैं कि चलो एफडी कर लेते हैं, तो एफडी से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये। अगर आप 3 साल के ऊपर पैसा रख सकते हैं स्वाति, तो ये डेफिनेटली एफडी से अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आपको जो YTM है पोर्टफोलियो का, या जो यील्ड है, उससे ऊपर थोड़ा सा रिटर्न बनने की संभावना रहती है। काफी बार आपको क्रेडिट स्क्वीज होता है, या फिर क्रेडिट कंप्रेशन जिसे बोलते हैं, या फिर आपको अगर इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स थोड़े फेवरेबल हो जाए तो उससे जो बेनिफिट आता है, तो ये सारे बेनिफिट्स आकर आपको एफडी से डेफिनेटली ऊपर रिटर्न मिल सकता है। और प्लस इंडेक्सेशन का बेनिफिट इसे टैक्स एफिशिएंट बना देता है, जो कि एफडी में नहीं होता है। एफडी पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाती है आपका जो इंटरेस्ट आता है। ओके, तो एफडी का जिक्र करना जरूरी था क्योंकि मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन डेट में फिक्स डिपॉजिट ही होते हैं, लेकिन वो इकलौता ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ढेरों हैं जिसकी हम चर्चा मोहित से अभी कर रहे हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इसका जिक्र थोड़ा और करते हैं। कई लोगों को शायद इसके बारे में ज़्यादा मालूम ना हो, और अगर छोटी अवधि में लगभग 1 से 3 साल का नजरिया हो तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड अभी निवेश के लिए कैसा विकल्प आप बताएंगे मोहित? जी बिल्कुल बिल्कुल, बैंकिंग एंड पीएसयू की तरह वो भी काफी अच्छा विकल्प है। अगर आप अपने रिटर्न को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं बैंकिंग एंड पीएसयू से, और थोड़ा सा रिस्क रिस्क इस मामले में कि आपका पेपर क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बैंक्स को बहुत सेफ माना जाता है, और आप जब कॉर्पोरेट्स में चले जाएंगे तो उनको बैंक से एक नॉच कम सेफ माना जाता है। तो कॉर्पोरेट डेट फंड में अमूमन देखा गया है कि आपका 80% पोर्टफोलियो अच्छे ऊंचे दर्जे की कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज में रहता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रहता है, और कुछ 20% जो होता है वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है, और यहाँ पर पेपर क्वालिटी में थोड़ा AA भी रहता है, राइट? तो आपको चुनाव करते वक्त ये ध्यान रखना है कि AA पोर्टफोलियो कितना लिमिटेड है और किस मात्रा में और उसमें कौन से पेपर है। बट अगर उसका चुनाव करेंगे तो 3 साल की अवधि के ऊपर कि अगर आपका दायरा है तो ये बहुत अच्छा कैटेगरी है इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो 3 साल तक के नजरिए में कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, जैसा आपने बताया कि बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड से एक नॉच नीचे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड इन टर्म्स ऑफ, अगर रिपीट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो क्वालिटी। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट पेपर्स होते हैं और वहां पर मोस्टली बैंकिंग एंड एनबीएफसी पेपर होते हैं।
क्रेडिट क्वालिटी है वो एक नॉच नीचे रहता है बैंकिंग एंड पीएसयू से, और रिटर्न भी इस मामले में थोड़ा हाई रहता है बैंकिंग एंड पीएसयू। ओके, तो ये विद इन डेट कैटेगरी भी आपको क्रेडिट क्वालिटी, रिटर्न कितना मिल रहा है, रिस्क कैसे हैं, ये समझना डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेट बिल्कुल भी, हम कहते तो हैं सुरक्षित निवेश का विकल्प होता है, लेकिन डेट रिस्क फ्री नहीं होता है, उसमें बहुत तरीके के रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं फिक्स मैच्योरिटी प्लान पर, FMP, यहाँ पर इसकी खासियत क्या है, और अगर हम इसको विद इन इतनी सारी कैटेगरीज ऑफ डेट कैटेगरी में अगर FMP चूज कर रहे हैं, तो मोहित उसके पीछे एक बड़ा रीजन क्या हो सकता है आपका? जी स्वाति, सबसे बड़ा रीजन है कि मैंने देखा है अक्सर निवेशक चाहते हैं कि उन्हें एक अश्योरिटी मिले, एक श्योरिटी मिले कि भाई मुझे रिटर्न इतना ही मिलेगा, मेरे रिटर्न फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। तो क्या कारण है कि लोग FD में ज्यादा जाते हैं? क्योंकि वहां पर आपको एक कंफर्म्ड रिटर्न है कि भाई 7% 6% जो बोला गया उतना मिलेगा। FMP बिल्कुल वैसा ही इंस्ट्रूमेंट है, हालांकि फंड हाउसेस आपको पहले से बताएंगे नहीं कि पोर्टफोलियो का यील्ड क्या है, वो निवेश करने के बाद ही आपको समझ में आता है कि पोर्टफोलियो का YTM कितना था। बट अगर आपको पोर्टफोलियो क्वालिटी बताते हैं कि हम AAA पोर्टफोलियो में जा रहे हैं और ये 3 साल का FMP है, यानी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाएगा। ये एक क्लोज्ड एंडेड FMP जो होता है वो क्लोज्ड एंडेड प्रोडक्ट होता है और फिक्स डिपॉजिट की तरह चलता है, और जो पेपर फंड हाउसेस खरीदते हैं वो एग्जैक्टली 3 साल बाद ही मच्योर होंगे अपने मैच्योरिटी डेट पर। तो एक तरह से उन्होंने वो पेपर के कूपन को लॉक कर लिया है, और अगर आप उस अवधि के लिए उसको होल्ड करेंगे तो जितना उनका इंटरेस्ट रेट उन्होंने लॉक किया है वो एग्जैक्टली आपको मिल जाता है। तो अगर आप अभी देखें तो 3 साल का AAA पोर्टफोलियो अगर आपको मिलता है तो वो 6 से 6.25 का रिटर्न दे रहा है 3 साल में। 4 इंडेक्सेशन आपको मिल जाएंगे, हाईली टैक्स एफिशिएंट हो जाएगा, और एक तरह से ये यील्ड आपके लिए लॉक हो जाएगा। ये फ्लक्चुएट इंटरिम होता है, बट जब मच्योर होगा पेपर तो आपके पास उतना इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा आपकी प्रिंसिपल के साथ। इट्स अ वेरी सेफ एंड अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन डेट। ओके, तो डेट में सुरक्षित या डेट में निवेश के बेस्ट विकल्प हम समझ रहे हैं, जिसमें हमने शॉर्ट टर्म फंड्स की बात की, बैंकिंग एंड PSU डेट फंड की बात की है, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड की चर्चा की, और FMP यानी फिक्स मैच्योरिटी प्लान की हमने बातचीत की है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद कॉरपोरेट डिपॉजिट इस पर बात होगी, और साथ ही फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड टैक्सेबल, स्मॉल सेविंग स्कीम्स की भी करेंगे चर्चा, और सबसे इम्पॉर्टेंट सुरक्षित निवेश का बेस्ट विकल्प, पारंपरिक निवेश का बेस्ट विकल्प गोल्ड में निवेश, इस पर भी चर्चा थोड़ी देर में, देखते रहिए मनी गोल्ड। आज हम मनी गुरु में बात कर रहे हैं डेट में निवेश के बेस्ट विकल्प की, हमारे साथ मनी फ्रंट से आज मोहित गांग है, उनसे कर रहे हैं चर्चा। मोहित, हम आपसे अब जानना चाहते हैं कॉर्पोरेट डिपॉजिट के बारे में, क्या है इसकी खासियत, और जैसा हमने शुरुआत में बोला था कि बैंक डिपॉजिट या बैंक FD के पीछे लोग ज्यादा आकर्षित रहते हैं, तो कॉर्पोरेट डिपॉजिट ऐसे लोगों के लिए कैसा विकल्प? जी, मुझे लगता है कि हर मायने में कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है स्वाति, वो बैंक डिपॉजिट से एक अच्छा विकल्प है। देखिए, हमने बात की थी शॉर्ट टर्म डेट फंड्स की, जहां पर अगर आपको पता नहीं है कि आपको पैसे कब लगेंगे तो आप शॉर्ट टर्म डेट में पार्क करते हैं, बिकॉज आप जब चाहे जितना चाहे वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। पर अगर आपको श्योरिटी है कि मुझे 1 साल तक पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, ये 2 साल तक बिल्कुल नहीं चाहिए, और मुझे श्योर शॉर्ट रिटर्न चाहिए, तो कॉर्पोरेट डिपॉजिट सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ बैंक डिपॉजिट की तरह बैंक्स की जगह कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो अच्छे रेटेड कॉर्पोरेट्स होते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, HDFC लिमिटेड, इस तरह के अच्छे क्वालिटी के हाई रेटेड कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए बाजार से पैसा उठाते हैं, और इसे कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहलाता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि बैंक डिपॉजिट में आपको 5 लाख रुपए तक की गारंटी होती है FDIC के रूल्स के अंतर्गत, कॉर्पोरेट डिपॉजिट में आपको इस तरह की कोई गारंटी नहीं होती। बट अगर आप एक बहुत अच्छे क्वालिटी कॉर्पोरेट के साथ जा रहे हैं तो आपको श्योरिटी है कि उनकी पेडिग्री बहुत अच्छी है और ये कॉर्पोरेट्स काफी सालों से काम कर रहे हैं, इनकी बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग है, आप उनका थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग्स देख सकते हैं, और अगर आप नाम से कंफर्टेबल है तो आप बेझिझक होकर इन कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में जा सकते हैं।
अच्छी बात यह है स्वाति कि इसके अंदर में आपको अलग अलग टेनर्स मिलते हैं, आप चाहें तो छोटे टेनर के, 1-3-5 साल तक के टेनर्स के, और जो चाहें वैसा इंटरेस्ट रेट फ्रीक्वेंसी चूज कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल, क्यूमुलेटिव। और इसके अंदर में जो बोलते हैं कि आपको विड्रॉल लिक्विडेशन भी बहुत आसान होता है, जैसे आप बैंक FD को तोड़ सकते हैं कभी भी, इनको भी आप कभी भी ब्रेक कर सकते हैं, तो हर मायने में अच्छा विकल्प है और बैंक FD से ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो अगर आप रिटर्न की रेंज देखिए अभी 2 साल के डिपॉजिट्स का, तो नाम मैंने लिया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात पूरी कीजिए। हाँ, दो साल का रिटर्न का अगर आप रेंज देखेंगे तो 6-7.5% के आसपास चल रहा है, और सीनियर सिटीजन को इसमें एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिलता है कुछ 25 पैसे या 40 पैसे के आसपास, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है, तो बहुत अच्छा विकल्प इंटरेस्ट रेट के मायने। ओके, तो आपने बोला कि FD से एक अच्छा बेहतरीन विकल्प कॉर्पोरेट FD हो सकता है। बहुत ही संक्षिप्त में, किसी निवेशक को निवेश करने से पहले किसी कॉर्पोरेट डिपॉजिट में किन बातों का ख्याल रखना है? सिर्फ उस कंपनी का क्रेडिट रेटिंग, उसकी हिस्ट्री, उसके प्रमोटर्स, उसके मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा देख लीजिए कि कंपनी अच्छी है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं, कैसे कैश फ्लोज है, किस तरह से डिविडेंड दे रही है। अगर आप वहां पर कन्विंस है, उस नाम से कन्विंस है, तो आप बेझिझक होकर जा सकते हैं। ओके, तो कुछ बातों का ख्याल कॉर्पोरेट बॉन्ड में, माफ कीजिए, कॉर्पोरेट डिपॉजिट में निवेश करने से पहले। अब फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड की बात करते हैं, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इसकी खासियत क्या है और ये आकर्षक एक डेट में निवेश का बेस्ट विकल्प कैसे हो सकता है? जी स्वाति, जैसे एक बार फिर से अगर क्रोनोलॉजी समझे, तो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स की बात की, जो 1 साल तक का निवेश था, बैंकिंग PSU कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो 3-5 साल का, 3 साल के प्लस का निवेश है, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स जो 2-3 साल के निवेश हो सकते हैं। बट अगर आपको बहुत लंबी अवधि के लिए डेट में डालना है और आपके पास में 7 साल का समय है, जहां आप 7-8 साल का समय है जहां आप पैसे को लॉक कर सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इश्यूड बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें RBI इश्यू करता है, ये फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड कहलाते हैं, और 2020 जुलाई में इन्होंने RBI ने इश्यू किया था। इनका जो इंटरेस्ट रेट है ये फ्लोटिंग रेट है, इसका मतलब ये NSE के साथ में लिंक कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो NSE की जो भी रेट होगी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, उस पे आप 35 पैसा जोड़ लीजिए, तो NSE की अभी की दर है 6.8%, तो इनकी रेट है 7.15। अगर NSE की रेट बढ़ेगी, अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं, तो इनका रेट भी अपने आप बढ़ जाएगा और हर 6 महीने में वो रीसेट होता रहेगा। तो सबसे अच्छी बात, अगर कल को इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है आने वाले साल में, 2 साल में, तो आपका इंटरेस्ट रेट अपने आप ऊपर जाएगा, ये फ्लोटिंग रेट है, इससे ज्यादा सिक्योर और सेफ कुछ नहीं हो सकता। RBI इश्यू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं, तो हाईएस्ट सेफ्टी, हाईएस्ट सिक्योरिटी है, और ये एक स्पेशल बॉन्ड लेजर अकाउंट में आता है। बस ख्याल रखने की बात यह है कि इसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, सिर्फ अगर आप 60 साल से ऊपर की उम्र में हैं तो आपको कुछ 5 साल बाद लिक्विडिटी मिलती है, 70 साल पे 6 साल के बाद, और 80 साल के ऊपर है तो 7 साल के बाद आपको लिक्विडिटी मिलती है, अदरवाइज ये लिक्विड नहीं है और मार्केट में ट्रेडेबल भी नहीं है, तो इलिक्विड हो जाएगा आपका पैसा, बट ब्याज की दर के हिसाब से और सेफ्टी के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। ओके, तो ब्याज दर के हिसाब से और सुरक्षा के लिहाज से, अगर आप यही दो क्राइटेरिया अपने निवेश में चाहते हैं, तो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड, RBI फ्लोटिंग बॉन्ड, सेविंग बॉन्ड जो है वो आपके लिए हो सकते हैं, जिसमें एक काफी ज्यादा आकर्षक हमें ब्याज दर भी मिलती है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स की। थोड़ी चर्चा करना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पर प्रश्न अभी लोगों के मन में है कि हालांकि इस क्वार्टर में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में, लेकिन आगे क्या होगा, इसका क्या अनुमान लगाया जा सकता है, क्या स्थिर रहेंगी या इससे कम हो सकती है, जैसा बीच में थोड़ा बहुत एक शॉकर हमें लगा था 3 महीने पहले कि थोड़ा बहुत ब्याज दरें कम कर दी जा सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर गिरती ब्याज दरों के दौर में स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कितना निवेश करना सही है? देखिए स्वाति, योर गेस इज एज गुड एज माइन, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि रेट्स कहाँ जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता कि रेट्स और कम होने के आसार है ओवरऑल इकोनॉमी में। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जिस तरह से इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आ रही है, काफी चांसेस हैं कि रेट्स अब ऊपर ही जाएंगे, और स्मॉल सेविंग्स अगर 6 महीने साल भर के लिए रेट कम भी हो जाता है तो वो वापस रीसेट होगा। गवर्नमेंट इसको क्वार्टरली रीसेट करती है, कुछ कुछ केसेस में साल में रीसेट होता है, तो वो रीसेट हो जाएगा, और जैसे ही इकोनॉमी वापस पिकअप करेगी और रेट्स ऊपर जाएंगी तो ये आपकी ऊपर चली जाएंगी रेट्स। तो इससे सेफ, इससे सिक्योर और इससे अच्छा टैक्स फ्री ऑप्शन
मुझे नहीं लगता किसी निवेशक को डेट में कहीं मिल सकता है। पीपीएफ अगर आपको 6.9% 7.1% माफ कीजिएगा दे रहा है, या आपको सुकन्या समृद्धि 7.6% दे रहा है, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो कि टैक्सेबल होता है बट 7.4% पे, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है ये सारे, राइट। और पीपीएफ तो और सुकन्या समृद्धि तो टैक्स फ्री है पूरी तरह से, तो उनसे अच्छा निवेश आपको नहीं मिल सकता। और अगर रेट्स ऊपर जाती हैं तो और भी अच्छा, और यहाँ पर अगर बनी रहेंगी तो भी इतना बुरा विकल्प नहीं है 7.1% पे पीपीएफ। तो मुझे लगता है ये इंस्ट्रूमेंट सबके पास होने ही चाहिए। तो किसी ना किसी स्मॉल सेविंग स्कीम में आपको अपने पैसे पार्क करने चाहिए, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है किसी के भी पोर्टफोलियो में। आपकी बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना ले सकते हैं। काफ़ी लंबी अवधि के मेचोरिटी लॉक इन वाले हैं ये ज़रूर, लेकिन अनुशासित निवेश के लिहाज से काफ़ी अच्छे विकल्प हैं। पीपीएफ की बात हो गई, मोस्ट पॉपुलर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी काफ़ी पॉपुलर है, और एनएससी और किसान विकास पत्र की हमने यहाँ पर चर्चा की। अब जैसा मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था मोहित, सबसे ज़्यादा पॉपुलर निवेश का विकल्प और सबसे ज़्यादा सुरक्षित निवेश का विकल्प गोल्ड से बेहतर शायद निवेशक नहीं मानते हैं, और मुश्किल की घड़ी में सोने में निवेश करना या सोना बेचकर पैसे हासिल करना ये एक काफी बड़ा ट्रेंड है जो हम देख भी रहे हैं आजकल। तो गोल्ड में निवेश का सबसे बेहतरीन विकल्प आप कौन सा मानते हैं? क्या हम सॉवरेन गोल्ड की बॉन्ड की बात करेंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली स्वाति, आई थिंक जैसे कहा जाता है कि हीरा है सदा के लिए, मुझे लगता है सोना है सदा के लिए। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप सोने को एक इन्वेस्टमेंट विकल्प के लिहाज से देखते हैं तो एक बहुत ही ट्रेडिशनली काफी अच्छा और काफी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, जिसे आप कभी भी मार्केट में लिक्विडेट कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस के ऊपर में। और आपको सोने में निवेश करना है तो डिजिटली ही करना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। डिजिटली आपको स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगता, इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं लगता, आपको टैक्सेस के झमेले नहीं रहते, आपको बहुत बहुत हद तक बहुत सुविधा होती है। और मेकिंग एंड ब्रेकिंग चार्जेस जो कि सोने में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो सब आपको नहीं देना पड़ता। अब डिजिटल माध्यम से दो ही विकल्प है, या तो आप म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के जरिए गोल्ड को खरीदें, या फिर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड, जो कि अगेन आरबीआई मार्केट में लेके आता है, उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है स्वाति। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको सोने की रेट के साथ साथ, एक तो आपका जो भाव बढ़ेगा वो अलग है, बट आपको 2.5% हर साल का इंटरेस्ट भी देता है इसके ऊपर में, जो कि एक एडिशनल इनकम के तौर पे है। 2.5% कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, बट फिर भी सोने पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है पड़े हुए सोने पर, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको 8 साल, जो कि इसकी मैच्योरिटी का पीरियड है, उस तक पूरा होल्ड करते हैं, तो ये कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाता है, जो कि कोई भी दूसरा सोने का फॉर्म हो, चाहे फिजिकल हो या फिर डिजिटल म्यूचुअल फंड या ईटीएफ हो, वो सभी टैक्सेबल है। सिर्फ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंप्लीटली टैक्स फ्री है। तो उस लिहाज से इसका कोई मुकाबला नहीं है, और इसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। सोना हमेशा से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया गया है। वोलेटाइल हो सकता है, प्राइसेस ऊपर नीचे जा सकती है, बट फिर भी अगर आप देखें सोने की 100 साल की हिस्ट्री को देखें, तो वो एक ट्रेंड के साथ इन्फ्लेशन के हिसाब से सोने के दर ऊपर जाते ही जाते हैं, क्योंकि इसे एक बहुत अच्छा हेज समझा जाता है आपके पोर्टफोलियो में। प्लस अगर रुपी डेप्रिशिएट करता है डॉलर के अगेंस्ट में, जो कि अगर 20-25 साल का ट्रेंड देखे तो 3-3.5% की दर रही है रुपी के डेप्रिशिएशन की, तो उसका बेनिफिट भी आपको गोल्ड के प्राइसेस में मिलता है। तो आप गोल्ड के प्राइसेस में रुपी का डेप्रिसिएशन, इन्फ्लेशन की दर, इन सबको अगर आप ऐड कर दें और 2.5% का इंटरेस्ट और जोड़ दें, तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जो मुझे लगता है हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए, चाहे किसी भी मात्रा में, बट गोल्ड निवेश होना ही चाहिए। बिल्कुल, तो डेट का एक पोर्टफोलियो बनाना है, सुरक्षित निवेश अगर करना है तो डेट में निवेश के बेस्ट विकल्प पर हमने चर्चा की। अलग अलग जो डेट फंड की स्कीम्स हैं उसके बारे में भी मोहित गांग से हमने चर्चा की है, और साथ ही स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्यों आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और थोड़ी सी चमक सोने की आपके पोर्टफोलियो में क्या कमाल कर सकती है ये भी हमने आज जाना। बहुत शुक्रिया मोहित, आज आप हमारे साथ मनी गुरु की इस खास पेशकश में शामिल हुए। तो आज इस एपिसोड में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।